हैं आप? मैं हूँ आप सबकी बजिया और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शाही टुकड़े। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ये जो है कंडेंस मिल्क है, और ये मैंने 3 छोटी इलायचियों का पाउडर बना लिया है, ये थोड़े से बादाम और पिस्ते हैं, ये मैंने शुगर लिए 1/2 कप और 1 कप पानी है, और ये केवड़ा और ये जरदे का रंग। तो चलिए जनाब अब हम शुरू करते हैं। ये मैंने 3 कप जो है दूध लिया था और इसे गर्म करने रख दिया था, बॉयल हो गया है, इसका चूल्हा दोबारा ऑन किया है, और ये मैंने एक फ्राई पैन में जो है घी रख दिया है गर्म करने, और ये 1 कप पानी है जो हम इसमें डालेंगे। ये मैंने 1 कप पानी डाला है और इसमें चीनी डाल देंगे हम, और थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग डालेंगे, ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं दिल चाहे तो ना डालें। और ये मैंने जो इलायचियों का पाउडर बना के रखा था ये डाल देंगे थोड़ा सा इसमें शीरे में, और ये थोड़ा सा दूध में। इधर ये हमारा घी गर्म हो गया है तो हम इसको स्लाइस को तल फ्राई करते हैं। ये हम फ्राई कर रहे हैं, इसे पलट पलट के फ्राई करेंगे। आज जो है मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि ये फौरन जो है सिक जाएंगे, पलटते रहेंगे। ये सारे स्लाइस हमने फ्राई कर लिए हैं, और इधर ये चाशनी जो है हमारी तैयार हो गई है, ये दूध है, अब इसमें हम केवड़ा डाल रहे हैं, और थोड़ा सा केवड़ा हम चाशनी में डाल देंगे, और जनाब थोड़े से इसमें बादाम और पिस्ते डालेंगे, और इसके बाद हम ये इसमें शामिल कर देंगे। तो ये रबड़ी तैयार हो जाएगी। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे हम, उसके बाद जो है बाकी की तैयारी करेंगे। चलें जनाब ये सारे जो है स्लाइस हमने फ्राई कर लिए हैं, और ये हमारा शीरा भी तैयार हो गया है, जो है ये गाढ़ा नहीं है, बस ऐसा तैयार हुआ है कि उंगलियां इससे चिपके, और ये हल्का हल्का गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसमें शीरे में जाएंगे, स्लाइस डालेंगे। अच्छे क्रिस्पी हो गए और इनको सेट कर लेंगे। तो हम सबको इसी तरह लगा लेंगे। ये सारे स्लाइस हमने सेट कर दिए, अब इसके ऊपर ये जो हमने रबड़ी तैयार की है ये डाल देंगे। सारे स्लाइस जितने भी स्लाइस हैं सबको कवर कर देंगे इससे। ये शाही टुकड़े तैयार हैं, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप अपनी बच्चिया को इजाज़त दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जनाब अपनी बच्चिया को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।